शादी के बंधन को बनाए रखने के लिए, शादी के बंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए, शादी के बंधन में विश्वास और अटूट प्रेम बनाए रखने के लिए ईशा ने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन 12 साल तक अपनी तरफ से हर तरह का प्रयास कर थक चुकी थी ईशा। और भारत तख्तानी के टैंट्रम्स, भारत तख्तानी के विचार और ईशा के प्रति उनके व्यवहार कहीं ना कहीं ईशा को अंदर से इस कदर तोड़ रहे थे कि आखिर में उन्होंने इस रिश्ते को ही ख़त्म करने का फैसला लिया। इससे पहले कि इन दोनों के बीच नफरत इतनी बढ़ जाए कि ये दोनों एक दूसरे को देखना तक ना चाहें, इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने पर उतर आए और इनके बुरे व्यवहार का असर इनकी बेटियों की ज़िंदगी पर पड़े, इन्होंने लिया फैसला कि आपसी सहमति के साथ क्यों ना अच्छे से अलग हो जाए, अलग तरीके के फेज़ में ना जाए, एक अच्छे फेज़ के साथ रिश्ते को ख़त्म करें, ना कि लड़ाई झगड़ा कर एक दूसरे के लिए मन में कोई नफरत रखें। जी हाँ, तालमेल ना बैठने के कारण ईशा और भारत एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन इसके कई कारण भी ईशा ने बताए। अब बात कर लेते हैं भारत तख्तानी की। तो भारत ने ईशा के बारे में तलाक से पहले उन्हें घरेलू कहा था, और तो और ये कहा था कि उन्हें तो चाय भी नहीं बनाने आती थी, वो घर में घर की बॉय थी, ना तो उन्हें कुछ पता था कि क्या बनाना है। लेकिन भारत को खाव से वो बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने ये बनाने के लिए प्रैक्टिस की थी। यानी कि ईशा वाकई में भारत को खुश रखना चाहती थी, कुछ नहीं पता होने के बावजूद वो कोशिश करती थी सब कुछ जानने की। उनकी इन कोशिशों के बावजूद ये रिश्ता नहीं टिका, क्योंकि भारत की एक्सपेक्टेशंस हमेशा ईशा से काफ़ी बड़ी थी। दोनों बेटियों के जन्म के बाद ईशा बहुत व्यस्त हो गई प्रोफेशनल लाइफ और बेटियों की जिम्मेदारी संभालने में, इस कारण पति से उनकी दूरियां बढ़ती चली गई। नतीजा, दोनों के बीच की मोहब्बत मानो खत्म सी हो गई।